अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी जो है ना रात के 9 हो रहे हैं और अभी सब लोग जाग रहे हैं, सोए नहीं। दाऊद और इसके साथ आमना लेटी हुई है। इन दोनों की प्लानिंग चल रही है कि कल हमारे टीचर ना आए तो क्या होगा, कल टीचर ना आए, दुआ करो टीचर ना आए, ऐसे होगा ऐसे होगा। हाँ, ऐसे दोनों कर रहे थे बातें, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया और इधर बिलावल मेरे साथ लेटा हुआ है। हम लोग मोबाइल देख रहे थे और इधर प्लानिंग चल रही थी, कल अगर वो ना आए तो ऐसे करेंगे, छुट्टी कर लेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ जी, मेरी बहन कह रही थी अभी जमजम का पानी पीकर कहेंगे या ला टीचर ना आए। अम्मी जान कहते हैं आप जमजम का पानी पीकर जो भी दुआ करें ना कबूल होती है। मैं जब छोटा था मैं भी आप जमजम का पानी पी के तो मैं दुआ करता था अल्लाह सोने कल टीचर ना आए तो मुझे मार ना पड़े, मेरा टेस्ट सही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह का टाइम हो गया और जो दो लोग ने पेपर दिए थे ना स्कूल में वो आ चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। दोस्त आपके कितने नंबर आए हैं? 234। आपके? 195। ब्लावर 2 क्लास में 195 नंबर आए हैं, ये 4 क्लास में 234 नंबर आए हैं और आमना वो भी इसकी क्लास में है और उसका नंबर आए हैं 351। टोटल जो है 400 नंबर थे और 400 नंबर में से आए हैं 351 और 234। तो माशाल्लाह मेरा भाई मुझ पे गया, शाबाश। आप से आगे नहीं, मुझ पे गए। चावल के 250 में से 195 नंबर आए हैं, माशाल्लाह। ये भी अच्छा बच्चा। तो चलो चलो जल्दी चलो, बाय। इन सब में से अच्छे नंबर आए हैं अनीब के, 100 में से 95 नंबर आए हैं अनीब के, तो अनीब के लिए एक लाइक तो बनता है। सुबह का टाइम है, हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज मूली वाले पराठे, मूली वाले पराठे के साथ आग भी है। वाह, टाइम हो रहा 11:30 बजे का और अभी तक जो है ना धुंध नहीं गई, सूरज भी नहीं निकला आज, बिल्कुल भी नहीं निकला। 12 बजे का टाइम हो गया, आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और जो है ना बच्चों को छुट्टी हो गया स्कूल से, अभी हम लोग जा रहे हैं चारा लेने। अबू जान चले गए हैं बाइक पे, हम लोग साइकिल पे जा रहे हैं अबू जान के पीछे चारा लेकर आना है। ये कुत्ता नहीं चुप करेगा, वो लोग ना नहीं देगा। तो ना दाऊद को मैंने कहा तुम अपनी साइकिल चलाओ, मैं अपनी चलाता हूँ। वो भारी बहुत है, चलती नहीं है इतनी आसानी से। साइकिल पर ना जोर काफ़ी ज़्यादा लगता है, इस साइकिल पर नहीं लगता। इससे ये साइकिल तो मतलब भी छोटा सा बच्चा होगा ना वो भी चला लेगा। एक दो ऊपर है, एक दो नीचे है। रेस लगानी है, विदाउद की और मेरी रेस लग चुकी है और दरम्यान में बाइक आ गई है। बाइक नहीं मुझे आगे जाने देगी और दाऊद देखें कहाँ चला गया। अभी मैं मोबाइल डालता हूँ पॉकेट में और फिर लगाते हैं रेस, नहीं तो ऐसे मैं हार जाऊँगा। फाइनली मैं जीत गया। हार गया, हार गया दाऊद, हार गया। नहीं हारा, हार गया, नहीं हारा, हार गया। आप, मैं आपसे पहले आ गया था। नहीं था? अच्छा जी, अभी आप पीछे क्या लेने गए थे? क्या अभी आप पीछे से कैसे आ रहे हैं अगर आप पहले आ गए? मेरा जो ना फोन गिर गया था। आजकल ये वाला सीन देखे, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा, माशाल्लाह। अब जाना आके चारा काट रहे हैं, अभी हम भी हेल्प कराते हैं। दादाजी दो लैके आयो, चारा हमने काट लिया, अभी लेकर गल चलते हैं, गल गल चलते हैं।
पहले हम लोग किसी के खेत से जो है चारा काट रहे थे, इसलिए ज्यादा लेके जाते थे। अभी अपने खेत से काटते हैं इसलिए कम लेके जा रहे हैं। नहीं, कल हम ज्यादा लेकर गए थे तो अभी पड़े हैं बाकी। सही हो गया, इसलिए आज थोड़े लेकर, इसलिए आज हम थोड़े लेकर जा रहे हैं। लो साइकिल अपनी अपनी, मेरे वाली साइकिल ले गया और कह रहा रेस लगाओ अब। इस साइकिल के टायर बड़े हैं ना, इस वजह से खड्डे कम लगते हैं, और उसके अलावा जो है ना इसकी सीट में मतलब स्प्रिंग वगैरह लगे हुए हैं, है तो कंफर्टेबल। बस ये है कि इसमें जोर बहुत ज़्यादा लगता है, ताकत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो इसे चलाएगा। ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? तो गाइज मेरी साइकिल जो है यहाँ पर फंस चुकी है, अभी मैं इसको काटने लगा हूँ। जो ना पीछे से धक्का लगाएंगे और साइकिल निकल जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये धक्का लगाया ये धक्का लगाया, ये हमारी साइकिल बाहर आ गई। अभी जो है रेस लगी हुई है, और वो देख वो भाई साइकिल तो कितने आराम से जा रही है, ये चलती नहीं है। ओए यार, ओए रेस लग गई है। जी तो मैं चुका हूँ, लेकिन अभी ना मैंने एक चीज़ नोट की है दाऊद की साइकिल में। ये देखें, यहाँ से ये पतरी टूट गई हुई है, पता नहीं कब की। घर आ गए हैं, और जो घर का काम है उसके बारे में आपको बता दूँ। घर का जो सरिया ऊपर डालना है लेंटर के लिए, उसकी पैमाइश कल की हम लोगों ने दे दी हुई है, और आज तो नहीं कल आएगा सरिया, तो परसों इंशाल्लाह जो है लेंटर डल जाएगा इंशाल्लाह। और ऊपर छत में धूप में जाने के लिए ना यहाँ पर सीढ़ी भी नहीं अभी पूरी मुकम्मल हुई शटरिंग वाली, तो अभी हम लोगों ने एक जगाड़ लगाया हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ओपन है ना, ओपन में सीढ़ी खड़ी कर दी हुई है, यहाँ से जाते हैं छत के ऊपर। देखें छत के ऊपर कितनी मज़ेदार धूप है। ये देखें, कल की मैंने एक छोटी चारपाई भी लेकर आया हूँ छत में ना बैठने के लिए। थोड़ी देर लेटते हैं धूप में, फिर नहाएंगे और जुमा पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। नाखून मैंने काट लिए हैं, वहाँ पढ़ने जाना है तो नहाना है, इसलिए जो है ना पानी गर्म कर रहा हूँ। क्योंकि मैं रिक्स नहीं लेता, मैं ठंडे पानी से नहाने का रिक्स लेता ही नहीं हूँ। नहा धो के तैयार में हो चुका हूँ, अभी मैं जाने लगा हूँ मस्जिद में। ठीक ठाक हूँ, ठीक आ जाओ। जुमा पढ़ के घर आए, फिर मुझे अपना पंजाबी व्लॉग बनाना था, फिर मैं वो बनाने लग पड़ा। तो ये थे हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़। फिर से कहना अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह का टाइम हो गया, और कल जो कपचा हो कपचा।